दोस्तों आज के वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि अपने मोबाइल की स्क्रीन को ऑफ करके अगर किसी की वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो उसको किस तरह से कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में आप लोग को एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे कि अगर आप अपने फोन की स्क्रीन को ऑफ भी कर लेंगे तब भी आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग वहाँ पे चलती रहेगी, यानी कि आपका कैमरा वहाँ पे वर्क करता रहेगा, लेकिन सामने वाले पर्सन को इसका कुछ भी पता ही नहीं चलेगा क्योंकि आपकी स्क्रीन ऑफ रहेगी। अगर उसको शक हो जाता है आपके मोबाइल की डिस्प्ले को ओपन करके भी देखता है तो आपकी डिस्प्ले पर भी उसको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा जिससे कि वो कह सके कि आप उसकी वीडियो बना रहे हैं। आज के वीडियो में आप लोग को इसी का तरीका बताने वाला हूँ कि अपने फोन की स्क्रीन को ऑफ करके सामने वाले पर्सन को जज कराए बिना उसकी अगर वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो उसको किस तरह से कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरे आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले से वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी ऐसे ही चाहते हैं कि आप किसी पर्सन की वीडियो रिकॉर्डिंग करें और उसको बिल्कुल भी पता ना चले, आपकी स्क्रीन पे भी आपका कैमरा ओपन ना दिखे, अगर आप अपने फोन की डिस्प्ले को भी ऑफ कर देते हैं तब भी आपकी बैकग्राउंड में रिकॉर्डिंग चलती रहे, किसी को उसके बारे में पता ना चले, तो इसके लिए आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। उस एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, तो उस पर क्लिक करके प्ले स्टोर से आप उस एप्लीकेशन को सबसे पहले अपने फोन में इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो मैंने ऑलरेडी उस एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल किया हुआ, तो चलिए डायरेक्ट मैं आपको उस एप्लीकेशन को ओपन करके दिखा देता हूँ। तो जैसे आप फर्स्ट टाइम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, तो इन परमिशन को आपको यहाँ से अलाउ कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपनी ऑल परमिशन को यहाँ पे अलाउ कर दिया है। अब परमिशन को अलाउ करने के बाद ऊपर की साइड आपको जो सेटिंग का ऑप्शन मिलता है आपको सेटिंग पे चले जाना है। अब इसके बाद में आपके सामने सेटिंग इस तरह से ओपन हो जाती है। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है वीडियो कैमरे का, तो आपको इसको ओपन करना है। अब आपको यहाँ से डिसाइड कर लेना है कि आप जो अपनी रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं अपने बैक कैमरे से करना चाहते हैं या फिर फ्रंट कैमरे से करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाई डिफॉल्ट बैक पर सिलेक्ट है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि स्क्रीन ऑफ करके आप अपने फ्रंट कैमरे से रिकॉर्डिंग करें तो आप फ्रंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं बैक पर रहने देता हूं, इसके बाद आपको ऐसे ओके कर देना है। इसके बाद आप यहां से बैक ले लीजिए। अब बैक लेने के बाद आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, जो बीच में बटन है जैसे आप इस पर टैप करेंगे आपकी रिकॉर्डिंग यहां पे स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे मैं इस पर टैप करूंगा तो कुछ सेकंड के लिए आपको मेरी आवाज यहां पे सुनाई नहीं देगी क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलिए मैं आपको यहां पे टैप करके दिखा देता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर दिया है, एप्लीकेशन से बाहर आके ही मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ तभी आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है। तो अब यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब इसके बाद में जैसे कि मैं यहाँ पे अपने स्क्रीन को ऑफ करके आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने स्क्रीन को ऑफ कर लिया। अब स्क्रीन ऑफ हो गई है लेकिन फिर भी मेरा कैमरा यहाँ पे वर्क करेगा इस एप्लीकेशन की वजह से, और जो कुछ भी मेरे कैमरे के सामने रहेगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे रिकॉर्ड होता रहेगा। चलिए मैं आपको फिर से ओपन करके दिखाता हूँ। इसके अलावा ऊपर की साइड यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन भी शो होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग सर्विस इज रनिंग। तो अगर आपको डर है कि कोई आपके इस नोटिफिकेशन को देख के पता लगा लेगा आप उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो आप इस नोटिफिकेशन को भी यहाँ से हाइड कर सकते हैं। इसके लिए आपको लॉन्ग प्रेस करना है, इसको ऑफ कर देना और डन कर देना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन भी रिमूव हो चुका है। अब कोई पर्सन अगर आपका फोन आपके हाथ से ले भी लेता है और इसको पूरा तरह से वो चेक भी कर लेता है तो उसको कहीं पर भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा जिससे कि वो समझ पाए कि आप उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अब आपको जब भी इसको स्टॉप करना होगा वापस आपको इसी एप्लीकेशन में जाकर उस बटन को आपको ऑफ करना होगा, तभी आपकी यहाँ पे बैकग्राउंड वीडियो रिकॉर्डिंग बंद होगी। जैसे कि चलिए मैं आपको, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसको स्टॉप कर दिया। तो इसी तरह से आपको भी स्टॉप करना है तभी आपकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टॉप होगी। अब बात कर लेते हैं कि ये जो आपने रिकॉर्ड किया यानी कि जो आपने चुपके से किसी की वीडियो बनाई है इसको आप देख किस तरह से सकते हैं। इसको देखने के लिए आपको अगर आप गैलरी में जाएंगे तो गैलरी में आपको कहीं पर भी वीडियो देखने को नहीं मिलेगी, आपको इसी एप्लीकेशन में आना है और ऊपर की साइड आपको जो सेटिंग ऑप्शन मिलता है इसके बगल में आपको एक फोल्डर का आइकन मिलता है, इस पर टैप करना है। जैसे आप फोल्डर वाले ऑप्शन में आएंगे तो आपने जो भी वीडियो रिकॉर्डिंग की थी वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ से अगर आप इसको प्ले करके देखना चाहते हैं तो इस तरह से आप इसको यहाँ से प्ले करके देख सकते हैं। तो चलिए से बैक ले लेता हूं। तो इसी तरह से दोस्तों अगर आप भी ऐसे चाहते हैं कि कहीं आपको अचानक से किसी की वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ जाती है और आप ये भी नहीं चाहते कि सामने वाले को पता चले कि आप उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इस एप्लीकेशन को आपको अपने फोन में इंस्टॉल करके रखना चाहिए, इमरजेंसी में आपके काफी काम आने वाली है क्योंकि इस एप्लीकेशन की हेल्प से अपने फोन की स्क्रीन को ऑफ करके भी किसी की भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले से वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।